उत्तरकाशी जनपद में गाजरा पट्टी के ग्राम सभा सीरीडूंग गांव में 42 साल बाद मां ज्वालपा देवी के मेले का आयोजन किया गया। कहा जाता है कि पहले इस स्थान पर पशु बलि की प्रथा थी, पर स्थानीय लोगों और देवताओं ने पशु बलि की जगह उड़द दाल के पकौड़े, जिसको की स्थानीय भाषा में ताई कहा जाता है, उसकी शुरुआत की। जिसकी खास बात यह है कि जिस व्यक्ति पर देवी अवतरित होती है वह खौलते तेल से हाथों से पकौड़े निकालता है और खौलते तेल को स्थानीय जनता पर फेंका जाता है, पर देवी के आशीर्वाद से किसी को कोई भी नुकसान नहीं होता। पूरी जो है इतिहास के बारे में जो कुछ मुझे जानकारी है उसके बारे में मैं पूरा विवरण बताता हूँ। माँ ज्वालपा जो माता जो है ज्वाला जी है, ये जो है हिमाचल से माता आ रखे हैं और ये माँ जो है मतलब हमारे जितना भी उत्तराखंड में हो या चाहे सारे बिहार सरकार में जो है सारी जगहों में जो है माता का आयोजन होता है और ये माघ में हर माघ में जो है 3 साल के अंतर्गत ये जो है जागरण किया जाता है, ताई जागरण किया जाता है। माता द्वारपा की जो है भिन्न भिन्न जगहों में भिन्न भिन्न गांवों में सब जगहों में माता का जो है आशीर्वाद है और माता के बराबर कोई भी देवता हो कोई भी हो शक्ति किसी के पास गई तो यहाँ पर जो है माता द्वारपा माता का जो है आयोजन जो है 4 साल बाद हुआ, परंतु आज जो है भगवान ने उसी माता की कृपा से सब आनंद हो गया, सब परिपूर्ण हो गए, सभी लोगों को माथा मिल गया, इसे मैं कहना चाहता हूँ। और हमारे जो है कमत में कमत का खुद माता का बहुत आया हूँ, 3 बार मैंने जो है 3 बार मेरी भी माता ने जो है गाय का संसार किया, घर पर किया गया और मैं फिर आशा करता हूँ कि अंत समय फिर जो है मतलब चौथी बार जो है मुझे अगर माता का आशीर्वाद मिले तो चौथी बार में फिर जो है एक बार तैयार हूँ। आज चौथा मांग दिव्य आयोजन किया जा रहा है जहाँ ग्राम पंचायत से धौंतरी कोनगढ़ तमाम अनेक गांव के लोग यहाँ पे आए हैं, 42 वर्ष बाद ये आयोजन किया जा रहा है। मैं ग्रामवासियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आज हमारे मान्य प्रदीप भाटी आए हैं और तमाम तमाम सिटी की जनता का मैं आभार प्रकट करता हूँ ऐसा दिव्य दिव्य आयोजन के लिए। मैं सिटी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्यों क्योंकि हमें ये धार्मिक कार्य करना चाहें ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी वो देखने को मिल सके। धन्यवाद। ग्रामसभा श्री के ढूंग में आज माँ ज्वालपा देवी का यहाँ पे मेला है और माँ ज्वालपा जो है 42 साल बाद आज यहाँ अपने भक्तों को दर्शन दे रही है और आप देख सकते हैं कि पूरा जनसैलाब आज माँ का आशीर्वाद लेने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पे आए हैं और माता का आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं ग्रामवासियों को और सभी भक्तजनों को देता हूँ जो सब लोग जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर माता के इस भव्य मेले का आयोजन किया। मैं ग्रामवासियों को तमाम क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इस अवसर पर मैं अपने युवाओं से अपील करना चाहता हूँ इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों को धार्मिक अनुष्ठानों को हम जो है हर वर्ष आयोजित करते रहें ताकि जो हमारे देवी हमारी ध्यानियां हैं हमारी माताएं बहने हैं हमारे युवा हैं उनको जो है इकट्ठे होने का एकत्रित होने का और एकत्रित हो और ऐसे अवसर पर जो हम अपनी देवी देवताओं को याद करें उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ उनको बधाई देना चाहता हूँ ये जो जिन्होंने इसका आयोजन किया ग्राम प्रधान जी को और तमाम जो हमारे जो नौजवान युवक मंडल समिति है महिला मंडल दल है तमाम अपने नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनसे यही उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन आप जो है बारम्बार करते रहे। पहले तो मैं आपका पत्रकार बंधु का आपका जो है इस ग्राम सभा की तरफ से यहाँ पर उपगांव ढूंग की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूँ और मैं तो ये समझता हूँ कि जब से
ये पौराणिक मेला होता है वो तो बहुत पुराना है, लेकिन जो हमारे अपनी उम्र का ख्याल है कि अपनी उम्र में 12 साल का मैं 13 साल का था तब से हमने उसको देखा है। और यहाँ पर विशेष आकर्षक जो है वो ताई का है कि तेल उबल रहा है, और जो जीतलाल जी हैं इसके जो पशुआ हैं वो जो है अपने हाथ से पकौड़े निकाल करके और जो माथा में तेल का उसको जो सारी पब्लिक को जो है उसको बांट करके और सबके ऊपर डाल करके, लेकिन किसी को भी किसी प्रकार से इसका गर्म तेल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि एक देवी का माथम है और वो जो पशुआ जी हैं वो उसे अपने हाथ से उसको जो है तेल में अपना हाथ डाल करके सबको जो है अपना जस और जिद्याल देते हैं कि आप लोग जो है आपके घरों में खुशहाली और शांतिपूर्वक आप लोग रहे और आपके घरों में जो विघ्न है विघ्न जो है समाप्त हो। तो यही जो है इसका मेले का जो है ये है, ये इस देवी का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि ये देवी ऐसी है पहले जो है बलि प्रथा थी और उसके बाद बलि प्रथा बंद हुई, उसके बाद ये ताई का कार्यक्रम ये आज 42 साल बाद जो है फिर ना इस देवी ने इस मेले को जो है शुभ आरंभ किया है। इसके लिए समस्त गांव वालों ग्राम सभा श्री ग्राम सभा धौतरी जो